कैसा स्ट्रक्चरिंग फॉर्म होता है इंग्लिश में ये जानेंगे। जैसा कि हर ह्यूमन बीइंग का एक या एक से अधिक विशेष होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ का यूरोपियन कंट्री विजिट करने का होगा, कुछ लोगों का गुड एंटरप्रेन्योरशिप बनने का होगा जस्ट लाइक, तो इसे हम इंग्लिश में कैसा स्ट्रक्चरिंग फॉर्म करते हैं ये जानेंगे। हम विशेष को बताने के लिए वॉन्ट टू का यूज़ करते हैं। हिंदी वाक में आपको इसे चाहता हूँ, चाहते हैं, चाहती हैं, चाहते हो, इस फॉर्म में आपको पहचान मिलता है। और इसका स्ट्रक्चर फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। ये सब्जेक्ट हैं आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे और प्लुरल नाउन। इन सब के साथ हम वॉन्ट टू यूज करते हैं। ही लड़कों के लिए, सी लड़कियों के लिए, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज किया जाता है। और सिंगुलर नाउन के साथ हम wants to का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट के साथ wants to का यूज किया जाता है। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। लता सिंगुलर नाउन है इसलिए wants to यूज हुआ है। और हिंदी वाक्य पहचान के लिए जैसा कि चाहती है यहाँ लिखा हुआ है, लता सरकारी नौकरी पाना चाहती है। लता wants to get a government job। मैं आपके साथ अपना सुख दुख बांटना चाहता हूँ, पहचान चाहता हूँ। मैं मतलब आई, तो इसलिए यहाँ पे want to यूज हुआ है। आई want to share my pain and pleasure with you। वे आप से कुछ कहना चाहते हैं, चाहते हैं पहचान है। वे मतलब दे, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, want to। दे want to say you something। पाकी एक अच्छा सीजे बनना चाहती है, ये भी विशेष है। पाकी एक सिंगुलर नाउन है इसलिए wants to यूज हुआ है। पाकी wants to be a good सीजे, चीफ जस्टिस, यू नो। हम धारा प्रवाह ढंग से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो वी मतलब हम, इसलिए यहाँ पे want to यूज हुआ है और ये पहचान चाहते हैं लिखा हुआ है। वी want to speak English frequently। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि ये विशेष के लिए want to use होता है, ठीक है। और अपनी विशेष बताने के लिए 10 विशेष हैं किसी व्यक्ति के। और साथ में आपको याद पता होगा कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स अपडेट होते रहते हैं, तो हम become मतलब बनना, उसको शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं। इसका कारण ये है कि हम सेव एनर्जी सेव होती है, क्योंकि इसको प्रोनाउंस करने में बी को ईजली होता है और बोलने में भी अच्छा लगता है, इफेक्ट पड़ता है। तो आप बिकम की जगह अब बी ही यूज कीजिए, क्योंकि स्पोकन में बी गुड माना जाता है। ये 10 विशेष हैं जो आप पढ़ सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ पीजीटी टीचर इन केवीएस। मैं पीजीटी टीचर बनना चाहता हूँ, कहाँ, केवीएस में। आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, मैं राइटर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ गुड ह्यूमन, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मल्टी लिंग्विस्ट, मैं बहुभाषी बनना चाहूँ, एक से ज्यादा भाषा बोलने के लिए। आई वॉन्ट टू बी अ मेक फ्रूट फॉर्म हाउस। आई वॉन्ट टू बी स्पीक इंग्लिश फ्रिक्वेंटली। आई वॉन्ट टू बी स्पेंड टाइम विथ नेचर, मैं समय स्पेंड करना चाहता हूँ किसके साथ, नेचर मतलब प्राकृतिक के साथ, पेड़ पौधे, यू नो, रिवर के साथ। कुछ लोग को टाइम स्पेंड करना अच्छा होता है, ये विश भी होती है लोगों के। आई वॉन्ट टू विजिट होल इंडिया एंड वर्ल्ड, ये सभी की इच्छा होती है कि मैं पूरी इंडिया को विजिट करूं और वर्ल्ड को भी घूमूं। आई वॉन्ट टू बी मेक अ लाइब्रेरी, कुछ लोग लाइब्रेरी में पढ़ना और बनाना अच्छा लगता है, ये उनके लिए है। आई वॉन्ट टू बी अ मेक अ लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ लर्न बेसिक लाइफ स्किल एवरी डे। आई वॉन्ट टू बी अ लर्न बेसिक लाइफ स्किल एवरी डे, कुछ बेसिक लाइफ स्किल, जैसे आपको पता होगा कि खाना बनाना, ये सारी बेसिक लाइफ स्किल है। जो ये किसी की इच्छा है कि मैं प्रत्येक दिन अपनी बेसिक लाइफ स्किल कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ। तो आप ये विशेष हैं, आप देख सकते हैं। इसी टाइप के आप एक से अधिक विशेष बनाने की कोशिश कीजिए। और स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको पता ही है जो पहले फ्रंट में पढ़े हैं, ताकि ईजी हो जाए। और अपने विशेष को लिखिए, एक से अधिक लिखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके।